वैनम द लास्ट डांस मूवी मैं देख चुका हूँ। मूवी काफी ज्यादा जबरदस्त है देखने में। मतलब जब मैं मूवी देख रहा था ना, तो मूवी की एंडिंग इतनी ज्यादा इमोशनल थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं रो ही ना दूं, बट फिर भी कंट्रोल कर लिया मैंने। मूवी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे वैनम देखने को मिले मुझे। और साथ ही मूवी के जो विलन है नल, वो बाहर आना चाहते हैं अपने एरिया से, बट इनको एक कोड की जरूरत है, और वो कोड जो है वो एडी और वेनम के पास है। अब इन दोनों के पास कैसे आया ये कोड? जब आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा वेनम का, तो उसकी एंडिंग में एडी जो है वो मर चुका था, तब वेनम ने एडी को जिंदा करने के लिए उस कोड की हेल्प ली। तो अब नल ने अपने जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सभी धरती पर भेज दिए हैं, तभी वही मॉन्स्टर्स एडी और वेनम के भी पीछे पड़ चुके हैं। तो मूवी की कहानी भी कुछ ऐसी बताई गई है, क्या ये नल को वो कोड मिल पाएगा यहाँ से आजादी दिलाने के लिए? क्या ये धरती पर वापस आ पाएगी या नहीं? और क्या होगा एडी और वेनम का हाल, ये जानने के लिए तो आपको वेनम द लास्ट डांस मूवी देखनी होगी। और साथ ही ये मॉन्स्टर्स तो पीछे पड़े ही हैं एडी और वेनम के, बट और भी मिलिट्री सोल्जर्स ये सब भी पीछे पड़े हुए हैं एडी और वेनम को मारने के लिए। मूवी की कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये मत सोचना कि नल का जो सुपर विलन का पार्ट है वो वेनम के साथ ही खत्म कर दिया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मार्वल की मूवी है। मार्वल अपनी हर मूवी को एक दूसरे से कनेक्टेड रखता है। जैसे कि कोई भी नया सुपर हीरो लाता है मार्वल, तो उसकी पहले सेपरेट मूवी बनाता है, फिर उसी मूवी में कोई एक बहुत बड़ा सुपर विलन का सीन दिखा देता है, और फिर उसकी एक नई मूवी बनाता है जिसमें कि सभी सुपर हीरो एक साथ आकर उस सुपर विलन को हराते हैं। तो मुझे लगता है नल के लिए भी कोई ऐसी ही सुपर हीरो नल के लिए भी कोई ऐसी ही मूवी बनाई जाएगी मार्वल की, जिसमें कि नल बहुत ही बड़ा सुपर विलन होगा, और इसे खत्म करने के लिए सभी सुपर हीरोज एक साथ आएंगे। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तो ये मत सोचना कि नल का जो सुपर विलन का पार्ट है वो इस वाली पार्ट में खत्म हो गया है वेनम में। मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे। ये मूवी मैंने 4DX में देखी थी, तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था मूवी देखते समय। कुर्सी बहुत जोर जोर से हिल रही थी, स्प्रे मारी थी पानी की, ऐसे सब मूवी देखते समय अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे। और अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो वैनम द लास्ट डांस, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये 2D या फिर 3D में मत देखो, क्योंकि ये एक एक्शन मूवी है। अगर आप ये 2D या 3D में देखते हो तो आपको बोर फील होएगा ही, क्योंकि 2D 3D प्रिंट में इतना ज्यादा मजा नहीं आता। अगर आपको मजा चाहिए, असली मूवी देखने का एक्सपीरियंस चाहिए, तो 4DX या फिर IMAX 3D में देखो, तब जाके ये मूवी का असली मजा आएगा आपको देखते समय। आप अगर मूवी देख चुके हो वैनम द लास्ट डांस, तो कमेंट में जरूर बताना आपको मूवी कैसी लगी। नहीं देखी है तो थिएटर पर रिलीज हो चुकी है, जल्दी से जाके देख लो, और कमेंट में जरूर बताना आपको वैनम द लास्ट डांस मूवी कैसी लगी देखने में।